हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस क्वेश्चन की हेल्प से सीखेंगे सारे टाइप के ब्रैकेट्स सॉल्व करना। अभी मैं सारे ब्रैकेट्स के नेम एक बार बता रही हूँ। जिस ऑर्डर में मैं ब्रैकेट्स लिख रही हूँ, ब्रैकेट हमेशा उसी ऑर्डर में ओपन किए जाते हैं। तो पहला ब्रैकेट हमारे पास ये वाला है। एज अ बार ड्रॉ कर रहे हैं तो इसे हम बार ब्रैकेट बोल सकते हैं या बार बोलते हैं सिर्फ। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन में देखें तो ये छोटा वाला दिख रहा है ऐसे, इसे हम स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये कर्ल वाला जो दिख रहा है, थोड़े थोड़े कर्ल हो रखे हैं ऐसे, फिर यहां से कर्ल ऐसे और यहां से कर्ल। बनाना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। कर्ल आ रहा है तो कर्ली ब्रैकेट हम इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये स्क्वायर वाला है। हम देखें ये ब्रैकेट ऐसे बन रहा है, अगर इसे पूरा ज्वाइन कर दें तो ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाए, तो इस ब्रैकेट का नाम होता है स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे मैंने ये ब्रैकेट्स लिखे हैं, हमें इन ब्रैकेट्स को इन्हीं ऑर्डर में सॉल्व करना पड़ता है। अगर मैं एरो से शो करूं तो ये हमारे पास ब्रैकेट सॉल्व करने का ऑर्डर है। सबसे पहले बार ब्रैकेट, देन स्मॉल, देन कर्ली एंड लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये क्वेश्चन। सबसे पहले मैं ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करूंगी, फर्स्ट मैं इस पे लिख रही हूं। तो बाकी क्वेश्चन एज इट इज लिखते हैं। 84 माइनस 7 एज इट इज बार, माइनस 11 माइनस 4 कर्ली ब्रैकेट, माइनस 17 प्लस 3 स्मॉल ब्रैकेट, 8 माइनस ये वाला ब्रैकेट में सॉल्व कर रही हूं ऐसे है ये, विद इन ब्रैकेट या अंडर ब्रैकेट लिखा है 9 माइनस 5, तो 9 माइनस 5 इज 4। ये बाहर वाला माइनस ब्रैकेट में इंक्लूड नहीं होता है, जैसे ये 3 इंक्लूड नहीं होगा, ये 4 इंक्लूड नहीं होगा इस ब्रैकेट में, ऐसे ही इस ब्रैकेट के अंदर सिर्फ इतना ही पार्ट आ रहा है हमारे पास, ठीक है। देन ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं सारे। तो फर्स्ट स्टेप में हमने बार ब्रैकेट सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप में अब हमें करना है स्मॉल ब्रैकेट। तो 84 एज इट इज अगेन, 7 माइनस 11 माइनस 4, ओपन कर रहे हैं कर्ली ब्रैकेट, 17 प्लस 3, नाउ स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, 8 माइनस 4 इज 4, तो मल्टीप्लीकेशन में होता है अगर यहाँ कोई भी साइन ना हो तो 4 हो गया। ये स्मॉल ब्रैकेट यहाँ हमने सॉल्व कर लिया है तो ये लगाने की जरूरत नहीं है। क्लोज कर रहे हैं कर्ली ब्रैकेट एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट। जो ब्रैकेट सॉल्व होते जाता है उसे हम यूज नहीं करते हैं। अगेन 84 एज इट इज, माइनस 7 स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हो रहा है, माइनस 11 माइनस 4। अब हमारे पास ये टर्न है कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करने की, बट हमें दिख रहा है इसमें प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन दोनों यूज हो रहे हैं, तो पहले हम बॉडमास यूज करते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट तो हम कर ही रहे हैं, प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन में बॉडमास या डीमास में लिख देती हूँ सिर्फ। सबसे पहले डिवाइड होता है, अगर वो ना हो तो मल्टीप्लीकेशन, तो पहले मल्टीप्लीकेशन कर रही हूं मैं। माइनस 17 एज इट इज प्लस 3 इंटू 4 इज 12, ब्रैकेट क्लोज, दोनों ब्रैकेट क्लोज कर दिए मैंने। अगेन 84 एज इट इज, माइनस 7 स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, माइनस 11 माइनस 4 कर्ली ब्रैकेट, इस बार मैं सॉल्व कर रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट मार्क नहीं किया है। माइनस 17 प्लस 12 माइनस 5 होता है, तो इसे लिख देते हैं अब माइनस 5, अदरवाइज यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन है। अगर कुछ नहीं होता ब्रैकेट और नंबर के बीच तो मल्टीप्लीकेशन होता है, एंड माइनस 5 आ रहा है तो मैं माइनस 5 को ब्रैकेट्स में लिख रही हूँ। ये सॉल्यूशन वाले ब्रैकेट नहीं है, ये ब्रैकेट हम नॉर्मल लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? अगर कोई भी दो अर्थमेटिक ऑपरेशंस हम लिखते हैं तो दोनों ऑपरेशंस हम एक साथ नहीं लिख सकते। अगर मैं लिख रही हूँ 2 प्लस माइनस 3 तो ये सेंसलेस बनेगा, इसलिए मुझे नेगेटिव वाले नंबर को ब्रैकेट में करना पड़ेगा, ठीक है। इस रूल के हिसाब से ये ब्रैकेट लगा है, अदरवाइज ये ब्रैकेट अभी इसकी सिग्निफिकेंस सिर्फ इतनी है कि ये दो अर्थमेटिक ऑपरेशंस को सेपरेट कर रहा है। तो हमने स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व कर लिया है, कर्ली ब्रैकेट सॉल्व कर लिया है, अब आ रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट पे। सो 84 माइनस 7 माइनस 11 एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर सॉल्यूशन चल रहा है, 4 इंटू 5 इज 20 एंड माइनस इंटू माइनस इज प्लस। अगेन 84 एज इट इज माइनस 7, नाउ माइनस 11 प्लस 20 पॉजिटिव 9 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 9। सो 84 माइनस 7 इंटू 9 इज 63। लास्ट 4 माइनस 3 इज 1, 8 माइनस 6 इज 2, 21। सो आवर आंसर इज 21।